हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। अगर आप भी अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स, अग्निवीर भारतीय वायुसेना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हैं और आपके मन में भी ये डाउट है कि जब आप एयरफोर्स में अप्लाई करेंगे तो आपको फोटो किस टाइप का देना है, कौन सा फोटोग्राफ है जो कि सही है, कौन सा गलत है और किस फोटोग्राफ को हम यूज करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं होगा या फिर किसी भी स्टेज पे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग। तो ये एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी चीज। यहां पर लिखा गया है कि जो आपका पासपोर्ट साइज कलर फोटो होना चाहिए वो किस टाइप का होना चाहिए। साफ साफ है, स्कैंड इमेज ऑफ वन अनअटेस्टेड रीसेंट टेकन नॉट बिफोर 3 months फ्रॉम डेट ऑफ फिलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, फ्रंट पोर्ट्रेट विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट फॉर 6। यानी कि साफ साफ इसमें लिखा गया है कि जो आपका रीसेंट टेकन होना चाहिए, जो कि 3 महीने पहले का नहीं होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन से 3 महीने से ज्यादा पहले का नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन में भी चेकआउट कर लेना कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि उसमें जो डेट होती है यानी जो मंथ होना चाहिए वो भी साफ साफ मेंशन किया होता है। वैसे 3 महीने पहले का नहीं होना चाहिए। द फोटोग्राफ इज टू बी टेकन विद कैंडिडेट होल्डिंग ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज हर चेस्ट विद हिज हर नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन क्लियरली रिटन ऑन इट विद व्हाइट चॉक इन कैपिटल लेटर्स। यानी कि जो आपका स्लेट होना चाहिए, आपके चेस्ट के पास होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, और उसमें जो है जिनका जो कैंडिडेट है उनका नाम होना चाहिए और जो फोटोग्राफ की डेट है वो लिखी होनी चाहिए कैपिटल लेटर में, वो भी व्हाइट चॉक से। और जो साइज होगी इसकी 10 से 50 KB होगी, फॉर्मेट JPEG या JPG फॉर्मेट होगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया गया है। अब मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट भी दिखा देता हूं। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड तो कलर होना चाहिए, यानी ब्लू होगा तो बहुत सही रहेगा। और उसके बाद यहां पर जो नेम है, देख सकते हैं आप, कैपिटल लेटर में है ना, कैपिटल लेटर में सबसे पहले अपना नाम लिख दीजिएगा और नीचे डेट लिख दीजिएगा, फोटो प्रिंट डेट, यानी जिस दिन आपका फोटो लिया जाएगा उस दिन की डेट। जैसे जो भी डेट है, आज अगर सपोज करो कि 17 तारीख है तो 17 और जो भी महीना हो और जो साल हो, ईयर हो, उसे मेंशन करना है। जैसा आप इस फोटोग्राफ पे देख रहे हैं तो कुछ इस टाइप की फोटोग्राफी आपको लेनी है। इस टाइप की फोटोग्राफ यूज करेंगे, प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर आ सकती है, इसलिए जो ऑफिशियल बोला गया है इस काम को करेंगे और इस टाइप का फोटोग्राफी हम लेकर के जाएंगे। इसमें कैपिटल लेटर में आपका नाम होना बहुत जरूरी है। तो इस टाइप की फोटोग्राफ अगर यूज करेंगे, ये फोटो फॉर्मेट लेकर जाएंगे आप, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आने वाले स्टेजेस में आप आराम से एग्जाम दे पाएंगे और अगर आपकी ज्वाइनिंग होगी तो बहुत ही स्मूथली सारी प्रोसेस कंप्लीट हो। समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद अभिषेक, जैसा कि आप देख रहे हैं ये टेलीग्राम चैनल है मेन, ये डाउट सॉल्विंग ग्रुप है और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशल है, एयरफोर्स कैंडिडेट्स के लिए। तो इन तीनों को ज्वाइन करना ना भूलें, तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में यही बताना था, वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो आपने देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। जय हिंद।